हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार से फिर से। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो एक है कबाड़ से जुगाड़ वीडियो। और आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो कबाड़ से जुगाड़ ही देखते हो। और मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स जिसमें कि सब लोग जो गार्डनर हैं, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे नहीं, वो अपनी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो वो गार्डनिंग कर सकें। मैं इस तरीके के वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, उसी से ही एक वीडियो आज रिलेटेड है। उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये फ्रेंड्स है अपने तेल का कनस्तर। फ्रेंड्स, ये है बाल्टी। ये बाल्टी आपने पहले भी देखी होगी, ये वही बाल्टी है फ्रेंड्स। इसमें मैंने अब कलर करूँगी। फ्रेंड्स, ऐसा था कि जैसे रेन सीज़न है तो मौसम में बारिश ही हो रही है, मौसम साफ़ नहीं है, धूप नहीं निकल रही है, तो अपन कलर भी नहीं कर सकते। अगर कलर करेंगे तो सूख ही नहीं पाएंगे और अच्छे तरीके से भी नहीं होंगे। तो आज फ्रेंड्स मौसम में थोड़ी धूप थी तो मैंने सोचा कि कुछ जो कबाड़ से जुगाड़ है वो कर लिया जाए। ये फ्रेंड्स मेरे पास प्रोटीन के कुछ पड़े हुए थे तो ये फ्रेंड्स कलर करके और इनका ढक्कन खोल कर इस तरीके से हैंग करने के लिए मैं बनाऊंगी डेकोरेटिव आइटम। और इस तरीके के अगर छोटे छोटे डिब्बे आपके पास हो तो आप बॉटल का भी यूज़ करके बना सकते हैं और ऐसे भी आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे डिब्बे अपने घर में बहुत होते हैं, नए नए डिब्बे आते रहते हैं, पुराने ऐसे कबाड़ी वाले के पास फेंकते रहते हैं अपन, तो उनका भी यूज़ करके मैं आपको आज क्यूट प्लांटर भी बताऊँगी DIY। और फ्रेंड्स, ये है मटकी। जो मटकी होती है अपने घरों में वो है ये। और फ्रेंड्स, इसका भी आज मैं इस्तेमाल करूँगी, कलर करूँगी। अभी सिर्फ फ्रेंड्स जो इनमें आपको मैं इनके कलर करके क्या मैंने कौन सा कलर किया और क्या डेकोरेटिव किया वो बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें मैंने कौन से प्लांटर में कौन से प्लांट लगाए हैं। इस वाले में तो लगा हुआ है फ्रेंड्स हिबिकस का बड़ा सारा, और इस वाले में इनमें नहीं है तो इनमें मैं लगाऊंगी, तो आप वो नेक्स्ट वीडियो में देखना। अभी फ्रेंड्स मेरे पास ये येलो कलर है एशियन का, ये पड़े हुए थे फ्रेंड्स कलर, तो मैंने सोचा कि इनका यूज़ कर लिया जाए। ये देखिए, और फिर बाद में मैं इस डब्बे का भी यूज़ ले लूँगी जब ये डिब्बे में कलर ख़त्म हो जाएगा, तो क्योंकि ऐसे छोटे छोटे डिब्बों में भी बहुत अच्छे प्लांट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है इस कनस्तर में मैंने अभी छेद नहीं किया है, पर आप कर लें, छेद आसानी से हो जाता है, तो मैंने सोचा कि पहले कलर कर लिया। मैंने इसका रेप जो था वो हटा लिया है अच्छी तरीके से, अब मैं इस पर कलर करूँगी। तो आप देखते जाइए मैं किस तरीके का कलर करती हूँ। येल्लो कलर कर रही हूँ और डेकोरेटिव आइटम मैं बाद में इसमें लगाऊँगी। फ्रेंड्स, नीचे मैंने इस तरीके से फ्रेंड्स अखबार ले लिए क्योंकि अपन कलर करते हैं तो गंदगी जो छींटे हैं वो गिरते हैं, तो उसके लिए मैंने ये लिए। तो मैं इसका भी रेप हटा दूंगी, ये हटा रही हूँ जैसे मैं, तो ये हटा दूंगी। तो अब देखते जाइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में। ये फ्रेंड्स इसका रेप मैंने हटा लिया है और अब मैं इस पर कलर करूँगी, देखते जाइए आप। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इस पर कर रही हूँ कलर। आज फ्रेंड्स मैं येलो थीम बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स ये कलर होके फ्री हो चुका है, देखिए आप। अभी इसमें बनाना बाकी है, जब ये सूख जाएगा तो बनाऊंगी अच्छी तरीके से। अब बाल्टी की बारी आई है फ्रेंड्स, इसका कलर करते हैं। अभी ये रह रहे हैं मटका और ये देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आगे आप देखेंगे कि जो मेरी ये अपराजिता वाली बाल्टी है फ्रेंड्स, इसमें कलर मैंने उस समय नहीं किया था, तो इसे भी मैंने सोचा कि आज कलर कर लिया जाए, जैसे कि ये वाली बाल्टी को कर रखा है फ्रेंड्स। तो कलर करने से एक तो प्लांटर की मजबूती भी बढ़ जाती है और फ्रेंड्स अच्छे भी लगते हैं। और फ्रेंड्स जो मैं किशमिश वाला लेके आई थी, इस पर भी आज मैं कलर करूँगी क्योंकि फ्रेंड्स आज अच्छी धूप निकल रही है, तो मैंने सोचा कि कर लिया जाए।
और आज ये सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है जब ये मेरे गार्डन का लुक आप देख सकते हैं। हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो प्लांट भी बहुत अच्छी तरीके से हवा में लहरा रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है फ्रेंड। अब मैं ये कलर मैंने ले लिया है एशियन पेंट्स हैं जो मेरे पास पड़ा हुआ था। और फ्रेंड्स ये है वैक्स का डिब्बा जो भी ऐसे ही पड़ा था, ये एक ब्यूटीफुल प्लांटर बन जाएगा, तो इस पर भी मैं कलर कर लूँगी। मतलब ये आराम से एक दो साल तो आराम से चल जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें अच्छे छोटे छोटे क्यूट प्लांटर आप इसे बना सकते हैं पौधे लगा के। तो ये पूरा वीडियो एक कबाड़ से जुगाड़ रिलेटेड है फ्रेंड्स। देखते जाइए मैं क्या कर रही हूँ आगे। अब इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने ले लिया है इसे, और अब आगे मैं इसमें कलर करूँगी ब्रशेस की सहायता से। येलो कलर है फ्रेंड्स ये। नीचे अपन इसमें क्या है फ्रेंड्स, अखबार ले लेंगे क्योंकि अपना फर्श जो है वो गंदा ना हो, क्योंकि कलर के क्या है फ्रेंड्स छींटे पड़ते रहते हैं। बहुत ही क्यूट प्लांटर बनके अपने सामने आता है ये। और इसमें फ्रेंड्स कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कलर ही यूज़ हो रहा है, और कलर भी फ्रेंड्स मेरे पास फ्री पड़ा हुआ था तो मुझे तो कलर की भी ज़रूरत नहीं हुई फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, डबल कोट कर दें अगर सिंगल नहीं हो रहा है। और जब ये सूख जाएगा तो इस पर मैं क्यूट क्यूट इमोजी बना लूँगी फ्रेंड्स, आप देखते जाइए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने पूरी बाल्टी पे कर लिया है। सिंपल ब्रशेस करना है और कुछ भी ज़्यादा नहीं काम, बस थोड़ा सेफली करना है क्योंकि अपन कलर करते हैं तो पुराने कपड़े पहन के करें या फिर हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन लें, क्योंकि इसके छींटे पड़ जाते हैं फ्रेंड्स, तो ना बहुत मुश्किल से मिटते हैं। या आप वो ले आएँ अपने, ये देखिए फ्रेंड्स पहले और बाद में कितना अंतर आ गया आप खुद भी देख ही रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से क्यूट क्यूट प्लांटर बना लें। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर ये हो गया है। अब ये हट नहीं सकता है क्योंकि इस पे मैंने कलर कर दिया है, तो इसे मैं सूखने दूंगी। अब कर लेते हैं जो वो क्रिसमस वाला प्लांटर है फ्रेंड्स, तो देखिए आप आगे। तो फ्रेंड्स ये ले लिया है मैंने क्रिसमस वाला डिब्बा, आप देख ही रहे होंगे पूरा। अब इस पे और ये वाले का फाइनल लुक कलर करके आप देख रहे हैं। अब देखते जाइए फ्रेंड्स, मैं कहीं पे से स्टैंड की तरह जमा के रख रही हूँ, क्योंकि जब अपन कलर करते हैं तो कलर करना और फ़ोन पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स छींटे भी लगते हैं तो फ़ोन को दूर ही रखना पड़ता है इसलिए। अब आप इसका लुक देखिएगा कि कैसा है। इस पर डबल कोट होएगा फ्रेंड्स, अभी इस तरीके से मैंने करा है कुछ। कलर का यूज़ करते रहना चाहिए, फिर क्या है फ्रेंड्स कलर भी सूख जाते हैं नहीं तो, अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो। जैसे कि मेरा ये वाला कलर है, इसका यूज़ मैं अभी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सूखने से लग गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि यूज़ करके इसको हटा दूँ, नहीं तो फिर यूज़ भी नहीं आएगा और ऐसे ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, अब आगे मैं बताती हूँ आपको। ये है फ्रेंड्स वो, अब ये रह गया है और इन सब पे मैंने कर दिया है। अभी एक बार और होएगा फ्रेंड्स इस पे तो मैं नहीं करूँगी, इस पे अच्छा हो गया। और कलर भी अब फ्रेंड्स देखिए बचा भी नहीं है, तो इसलिए यूज़ भी हो गया, ख़राब होने से बच गया। इसमें देखिए प्लास्टिक पपड़ी आ चुकी थी। इस पे स्टैंड भी बना दिया मैंने, इसका जो ढक्कन है उसको यूँ चिपका दिया है इस पे, तो अच्छा लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब ये सूख गया है, सुबह से मैंने करा था इस पे। अब मैं इस पे कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाने जा रही हूँ, वो आप देखिए जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं ऐसी चीज़ों पे। तो आप देखते जाइए मैं क्या बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स पहले पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स ये। ऐसे फ्रेंड्स मैंने मेरे गार्डन में बहुत सारे बना रखे हैं। वेस्ट मटेरियल से अपन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बना सकते हैं फ्रेंड्स।
जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। अभी इसका पूरा लुक आप देखना फ्रेंड्स, इतना बना है अभी ये। इस तरीके से फ्रेंड्स अभी देखना आप। और तो फ्रेंड्स ये बना है इसका फाइनल लुक। मैंने इसके ऐसे बनाया है कुछ, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और फ्रेंड्स ये देखिए आप, पूरा गमला ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये लग रहा है फ्रेंड्स। ऐसे चॉकलेटों के डिब्बे बहुत होते हैं, इस पर भी मैं बनाऊंगी। एक ये है फ्रेंड्स, और एक ये वैक्स का है फ्रेंड्स, इस पर भी मैं करूंगी। और एक ये बचा है फ्रेंड्स, इस पर भी करना है। और इस पर मैंने इस तरीके से कर दिया है, दोनों क्यूट प्लांटर बन चुके हैं। वो वाला भी कुछ इस तरीके से, और ये भी इस तरीके से। इन पे देखिएगा आप मैं कैसे करती हूँ फ्रेंड्स। तो इसे फ्रेंड्स मैं अपने यहाँ पे रख लूँगी और आसानी से बना लूँगी, क्योंकि फिर फ़ोन एक हाथ से पकड़ना होता है और एक हाथ से ये चीज़ करनी होती है तो बहुत दिक्कत आती है फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा ये इमोजी फ्रेंड्स सबसे बेस्ट रहती है, जो कि बन भी फटाक से जाती है जल्दी से, और लगती भी बहुत सुंदर है। तो आप ये इमोजी ही बनाएं, बेस्ट रहती हैं ये। और भी आप फ्लावर वगैरह बना सकते हैं फ्रेंड्स, पर वो सब चीज़ देख के बनानी होती है कि क्या चीज़ किस पर अच्छी लग रही है। तो इमोजी जो है वो सबसे बेस्ट आती है सब पर। जो इन पर अभी मैं कलर कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो मैं कर रही हूँ फैब्रिक, जो फैब्रिक कलर होते हैं अपने, वो वाले मैं इस पर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का इसका लुक आया है, कितना सुंदर लग रहा है। अब इस पर अपन रेड से करेंगे, तो मैं जब तक दूसरे पे कर लेती हूँ। ब्लैक जो आईज़ वगैरह बना रही हूँ, वो ब्लैक से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर का अपन काम कंप्लीट कर देते हैं। अभी मुझे बाहर रखे हुए मेरे मटका और वो सब चीज़ उन पर भी बनानी है फ्रेंड्स, काम बहुत सारा है फ्रेंड्स देखिए। और अब इस पर है फ्रेंड्स, तो इस पर भी मैं बनाती हूँ। देखिए आप फ्रेंड्स, ये क्यूट प्लांटर बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब नेक्स्ट ये इसकी बारी है फ्रेंड्स, इसको मैं बनाने जा रही हूँ। इस पर भी मैं इमोजी ही बनाऊँगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है, तो और टाइम भी नहीं लगता इसलिए, और लगती भी सुंदर है सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स जो हो जाती है। इस पे मैं थोड़ी बड़ी बड़ी आईज़ बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए इस पे आईज़ भी बड़ी बनेंगी। छोटी चीज़ पे छोटी बनती हैं और बड़ी चीज़ पे बड़ी आईज़ बनती हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कहीं मार्कर से भी बनाते हैं इन्हें, तो आप मार्कर हो आपके पास तो वो भी बना सकते हैं, बट जो कलर होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छे होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो कलर से सबसे बेस्ट रहता है जो एक्रेलिक कलर होते हैं, मिल भी सस्ते ही जाते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि महंगे मिलेंगे, तो इन्हें आप आसानी से ले सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये घूम नहीं रहा है क्योंकि भरा हुआ है, इसका लुक मैं आपको बता दूंगी अभी। अभी फ्रेंड्स मैं इसमें ना इसकी वो बनाऊंगी जीप, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बराबर कर देंगे अपन। देखिए फ्रेंड्स, तो ये डरावना मूंछों वाला जो प्लांटर है कैसा लग रहा है बताना जरूर। इस तरीके का ये बना है फ्रेंड्स, और ये इस तरीके के बने हैं छोटे छोटे, ये देखिए। अब आगे मटकी को करती हूँ, वो बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑयल का कनस्तर था, इस पर भी बना दिया है मैंने इस तरीके से। और ये फ्रेंड्स बनाए हैं छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम, जो कि जैसे कि गमले होते हैं उनमें रखने के लिए। अभी फ्रेंड्स आपको इसकी यही अपडेट मिलेगी कि मैंने इस पर क्या डेकोरेटेड किया है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपके पास, उसमें पता भी चलेगा आपको कि मैंने इसमें क्या प्लांट लगाए हैं फ्रेंड्स। मैं इसके साथ प्लांट के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने इनमें कौन से प्लांट लगाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स सभी गमले बड़े बड़े हैं, तो इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट लगेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर भी लगेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये है मटकी, तो मटकी में मैं कुछ और
चीज़ बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ बनाती हुई। बहुत सुंदर लगता है ये भी। मटकी फ्रेंड्स अपन सबके घर में होती है, और अभी जैसे कि गर्मियाँ थी तो गर्मी में तो अपन मटकी का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो अपन कर सकते हैं। और लगती भी बहुत सुंदर है ये फ्रेंड्स, इसे आप स्टैंड बना के अपने अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये फ्रेंड लगती हैं। इस तरीके से आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं फ्रेंड, जो भी आपको आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। फ्रेंड्स मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने ये बना दिया। कुछ भी फ्रेंड्स आप बेल बना दें, कुछ भी बना दें, ट्री बना दें, कुछ भी बना सकते हैं आप फ्रेंड्स। जो आप फ्रेंड्स जैसे कलर करते हैं तो वो आप एक्रेलिक कलर करें, जैसे कि कोई भी आप पेंट बना रहे हैं तब। और जब आप फ्रेंड्स जैसे कि आप कलर दूसरा जैसे बड़ी चीज़ पे किया मैंने, तो आप एशियन पेंट जो होते हैं, ये पेंट फ्रेंड ऐसे होते हैं कि आप बारिश वगैरह में भी रखें ना इनको, तो फ्रेंड्स धुलाई नहीं होते, ये अच्छी तरीके से रहते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम निकाल देते हैं ये आपके उसमें। तो फ्रेंड्स ये लुक भी बहुत सुंदर लगेगा जब इसमें प्लांटर बनेगा ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसमें, जब इसमें प्लांट लग जाएंगे। सॉरी, प्लांटर तो बन ही रहा है ये। आप कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स इस पर, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप अलग अलग कलर भी ड्रॉ कर सकते थे, रेड ग्रीन पांच छह कलर में भी कुछ भी बना सकते थे। अब फ्रेंड्स आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखते जाइए आप फ्रेंड्स। मटकी का लुक इस तरीके से आया, बहुत ही सुंदर ये लग रही है फ्रेंड्स, और इसमें जब प्लांट लग जाएगा ना तो फ्रेंड्स और भी ज़्यादा सुंदर ये लगेगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है, और फ्रेंड्स ये क्यूट प्लांटर छोटे छोटे देख सकते हैं आप, और इधर भी फ्रेंड्स ये रेड वाला, और फ्रेंड्स एक और है वो मैं आपको बताती हूँ, बाल्टी देखते हैं उसको। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से मैंने बनाया है सिंपल सा, और ये भी बना रखे हैं। इस तरीके से आप फ्रेंड्स क्यूट प्लांटर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, वीडियो को देखें। अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं कबाड़ से जुगाड़, तो मेरे कबाड़ से जुगाड़ पार्ट फर्स्ट है, सेकेंड है, उनमें देखें ज़रूर। बहुत ज़्यादा आपको एक कबाड़ चीज़ से एक सुंदर चीज़ बनाने का फ़ायदा उसमें देखा जाएगा, और प्लांट उसमें इतने सुंदर लगते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो गुड बाय फ्रेंड।